मैं डॉक्टर महादेव झा, अध्यक्ष छठ महापर्व समन्वय संघ, सारे लोगों जितने छठ व्रती हैं, छठ पूजा करने वाले, मैं सबको खूब खूब हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। मैं प्रेम प्रकाश सिंह छठ पूजा पे सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं प्रेम सागर तिवारी पूरे भारतवर्ष के छठ व्रतियों को शुभेच्छा देता हूँ, खूब खूब मेरे तरफ से शुभकामना। मैं रंजीत कुमार झा संपूर्ण भारतवासियों की छठ पर्व की शुभकामना देता हूं, और जितने भी अहमदाबाद या अहमदाबाद के आसपास रहने वाले लोग हैं उन सभी व्रतियों से निवेदन है कि वह इस सुंदर पर्व का और ये आयोजन का लाभ लें और अच्छी से अच्छी संख्या में आकर के यहां जो है सहयोग दें। और जितने भी यहाँ गांधीनगर, चिलोरा, नाना चिलोरा, मोटा चिलोरा, बटवा, घाटलोड़िया, चांदलोड़िया, जहाँ के भी लोग हैं, सभी से नम्र निवेदन है कि सरकार ने जो हमको दिया है घाट बना करके, उसका हम समुचित उपयोग करें और उसका लाभ उठाएं। नमस्कार, नेस गुजरात न्यूज में आपनो स्वागत छे ने हूं छु चारमी नजर ना के आजना मुख्य समाचार पर। अहमदाबाद रिवर फ्रंट खाते आज छठना दरबार पर छठ महापूजा घाट नो लोकार्पण करवामां आव्यु, जेमां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अने बिहारना मुख्यमंत्री सुशील कुमार हाजर रह्या हता। અમદાવાદના ઇન્દિરા બ્રિજ રિવરફ્રન્ટ ખાતે આજે છઠ ઘાટનો લોકાર્પણમાં પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી તથા બિહારના મુખ્યમંત્રી સુશીલ કુમાર, મેયર બિજલબેન પ્રદીપસિંહ જાડેજા હાજર રહ્યા હતા। અને આ સાથે જ બિહાર, એમપી, યુપી આમ અલગ અલગ રાજ્યના કેટલાય લોકો આ પૂજા કરવા હાજર રહ્યા હતા। આ પૂજામાં જુદા જુદા પ્રાંતના તહેવાર માનવી ભેદ દૂર કરવા માટે એક સારો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો। के नेतृत्व में 11 गांधी का जो संबंध रहा है बिहार के साथ, जेपी आंदोलन के जो संबंध गुजरात के साथ, तो गुजरात और बिहार का ऐसा अमिट संबंध है जो कभी मिट नहीं सकता है। और जो लाखों बिहार के लोग यहाँ के कल कारखानों में काम करते हैं, अगर वो कल कारखानों में काम करना बंद कर दे तो महाराष्ट्र, गुजरात के बहुत सारे कल कारखाने बंद हो जाएंगे। और कोई लौट कर नहीं गया, कुछ लोग छठ और दिवाली के नाम पर कुछ पहले चले गए थे, लेकिन सारे लोग लौट आएंगे। और बिहार और गुजरात दोनों के बीच बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध है, और से जो लोग बिहार और गुजरात के बीच में तनाव पैदा करना चाहते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले विजय रूपाणी जी मुख्यमंत्री हैं, और कोई माइक का लाल, चाहे वो बिहार के लोग या गुजरात के लोग हों, देश के किसी भी राज्य में कहीं भी जाकर काम करने का किसी को अधिकार है। और अभी तो विजय रूपाणी जी ने खुद कहा कि कच्छ हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, तो यह हमारा पूरा देश एक, और कहीं भी किसी को जाकर काम करने का अधिकार है। और ठीक है, कहीं कोई छुटपुट, और आज मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए गया था, एक भव्य मूर्ति बनी है, शानदार मूर्ति बनी है, और जैसा मैंने कहा कि ये दुनिया का। योगेश्वरी रामानंद साथ, एनएस गुजरात न्यूज़, अहमदाबाद।